केंद्र द्वारा किसानों को लेकर अध्यादेश जारी करने को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र को घेरने की तैयारी। उर्दू किताबों के स्टॉक नहीं मिलने पर करें शिक्षा मंत्री से शिकायत। राजधानी जयपुर, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर अध्यादेश जारी किया गया, उस मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों वे व्यापारियों पर सीधा प्रहार कर रही है, किसानों को मजदूर बना रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए कोई बड़े प्रदर्शन भी नहीं होंगे। उर्दू को लेकर डोटासरा ने कहा कि उर्दू शिक्षकों के पद सुरक्षित हैं, बल्कि उनके पदों में बढ़ोतरी होगी। जो आदेश निकाले गए हैं उस पर अमली जमा पहनाने के समय भी लग रहा है, क्योंकि उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और पुस्तकों को लेकर उन्होंने कहा कि उर्दू की किताबों का पूरा स्टॉक सरकार के पास में है, किसी को नहीं मिलती है तो उन्हें शिकायत ज़रूर करें। अंदर के हम कांग्रेस पार्टी अपनी रूपरेखा बनाएगी, वो हम लोग आपको जल्द बताएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार और हमारा संगठन ये नहीं चाहता कि हम एक गोल करें, लाखों किसान सड़कों पे आए, अगर वो संक्रमित हो गए तो उनके लिए बड़ी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब भाषाओं का सम्मान करती है। जो आज की तारीख में या जब हमने सरकार सत्ता संभाली तब से लेकर के जितने उर्दू के अध्यापकों के पद थे उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं की गई है, बल्कि हमने राजस्थान की विधानसभा में मैंने घोषणा की थी कि अगर किसी भी विद्यालय में 10 बच्चे भी अगर किसी तृतीय भाषा के पढ़ने वाले हों, चाहे वो उर्दू हो या संस्कृत हो, तो उनको हम शिक्षकों की कैसे व्यवस्था करें, ये प्रस्ताव हमारे निदेशालय से सरकारी स्तर पर आ चुका है। मैं समझता हूं किसी भी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने से पहले फाइनेंस की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है, वो प्रक्रियाधीन है। उर्दू का पद वर्तमान से एक भी कम नहीं होगा, बल्कि जल्दी ही तृतीय भाषा के रूप में, चाहे उर्दू हो चाहे संस्कृत हो, उनके पदों की बढ़ोतरी होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँ। एक से लेकर के आठवीं क्लास तक के उर्दू की किताबें अभी तक नहीं आई, पिछले साल एक से लेकर पांचवी क्लास तक की उर्दू की किताबें नहीं छपी थी, बगैर किताब के एग्जाम दिया था। कक्षा एक से लेकर 12 तक जो भी पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और RICRT का, उसकी तमाम पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है। अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो आप पर्टिकुलर हमें बताइए, हम तुरंत वहां पर वहां के डिपो से पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम करेंगे।